यूएसएम पेपर पढ़ते बैक विद अनदर न्यू वीडियो। सो भाई साहब क्या बोले आपको बोलेंगे, अभी आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है हमारा सबसे फेवरेट, सबसे मतलब क्या बोलूँ इस ट्रेन के बारे में। इसके बारे में 3 वीडियो बना चुका, 18478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस जो कि वही के लिए डेली चलती है योगनगर ऋषिकेश से पुरी के बीच में। तो भाई इसका ना एक रिकॉर्ड हो गया लेट आना। तो अभी जो फिलहाल इसका स्टेटस है, मैं तो बोर्ड के हजरत निजामुद्दीन से, मेरे साथ भी बहुत बड़ा स्टोरी हुआ है। एक्चुअली मैं आज ब्लॉग बनाने वाला था उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का, लेकिन दिक्कत हो गया, मैं बताऊंगा। तो अभी ये ट्रेन का करंट स्टेटस है भाई, 3 घंटा 20 मिनट तक ये लेट हो गई है। इसका यहाँ आने का समय था 11:25, लेकिन ट्रेन आई है 3:28 या 3:30 के आसपास। तो अभी मैंने बोर्ड किया और आज आपका भाई ट्रैवल करने वाला है A1 सेकंड AC, और उसका सीट है हमारा 25 लोअर बर्थ। मैंने ट्राई किया था साइड लोअर, वो नहीं मिला, तो ये मिला। इसके बारे में आपको बताएंगे ये टिकट वगैरह को कैसे मिला है। तो चलिए अब थोड़ा सेटल हो जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा क्या हुआ मेरे साथ शुरुआत से एंड तक, मैं पूरा बताता हूँ। चलो गाइस मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, हालांकि सब ट्रेन में दिखाते हैं। ये तो पुराना ICF कोच है, तो आप जैसे एंटर करेंगे आपको कर्टन मिल जाएगा, यहाँ पर पंखा भी है और यहाँ पर AC का ब्लोर है। आपको पता होगा ICF कोच बहुत पुराना है और ये बहुत लोगों का इमोशन है। और आएंगे एज यूजल नॉर्मल, मिरर मिलेगा, वाटर वोटर होल्डर, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पर भाई दिक्कत क्या होता है ना पुराना ICF कोच में, चार्जिंग पॉइंट 1, बंदे है 4 लेकिन पॉइंट है 1, इसी का दिक्कत होता है। और यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट भी है और बाकी सब पिलो बेडशीट टॉवल वगैरह सब मिला है। और बाकी अगर मैं बात करूँ ट्रेन की साफ़ सफाई, तो अभी तक तो मेंटेन है, लंबी जर्नी होने वाली है 3 दिन की। तो चलो ये तो नॉर्मल इंटीरियर हो गया, तो अभी बताते हैं आपको स्टोरी, ठीक है, अभी बताते हैं आपको तसल्ली। तो गाइस आप बताते हैं मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरा पेपर ख़त्म हुआ तो मैंने पहले टिकट करवाया था, जो आनंद विहार से हमारा ट्रेन जाती है ना उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, वही करवाया था। मैंने सोचा उसका भी आपको ब्लॉग दिखा दे। फिर रात को देहरादून से मैंने 10:30 को मैंने बस करवाया था, ऑनलाइन बुक किया था मेक माई ट्रिप से योलो बस। तो हरिद्वार तक तो बाकी सफ़र ठीक रहा, अभी तो सावन चल रहा है, कांवड़ का महीना है, तो हरिद्वार तक थोड़ा भीड़ रहा। जैसे कि मैं हरिद्वार से थोड़ा आगे गया, आप यकीन नहीं करेंगे 30 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है और हम वहाँ बीच में फंस गए। ना हमको पता है क्या हुआ, ना एक्सीडेंट हुआ, कोई बता रहा है एक्सीडेंट हुआ, कोई बता रहा है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन प्रॉपर रीज़न हमको नहीं पता था। फिर हमने बोला चलो ठीक है, तो वहाँ हमारा बस ड्राइवर को हमने बोला भाई तू रॉन्ग साइड डाल दे, हमारा ट्रेन है। तो मेरा जो बस था वो देहरादून से निकला 10:30 में और उसका आनंद विहार पेट्रोल पंप मतलब मेट्रो पिलर के पास पहुंचने का टाइम था 3:50 में। तो मेरा सफ़र शुरू हुआ हरिद्वार तक तो सही रहा, लेकिन आफ्टर हरिद्वार भाई 30 किलोमीटर का भीड़, वहाँ हुआ हमारा दिमाग का दही हो गया कि भाई क्या करें, सुबह तो आनंद विहार से मेरा ट्रेन है तो अभी मैं क्या करूँगा। फिर मेरे साथ और एक भी बंदा था, वो बेंगलोर जाने वाला था, उसका भी ट्रेन हो गया मिस, वहाँ पर हम फंस गए, लगभग मान लो 4 घंटा फंसे। तो जैसे कि धीरे 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 होके हम जैसे आए आगे चेक पोस्ट पे, तब पता लग रहा है जो ट्रक वगैरह होते हैं ना जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आता ही है, तो उनका हो रही थी चेकिंग। वहाँ पर खड़े थे जो ठेकेदार हो गया, 2-3 आर्मी भी थे शायद, आर्मी जवान भी, तो उनको एक अलग लाइन पर डाल रहे थे और 3-3 लाइन बन गई थी एक हाईवे में। तो रुड़की तक दिमाग का दही हो गया। फिर हो गया था तब हम जब फ्री हुए, तब टाइम हो गया था लगभग 6 बज गया था सुबह के, तो 8 बजे ट्रेन था और वहीं से आनंद विहार का डिस्टेंस लगभग 156 किलोमीटर था, ट्रेन हो गया मिस। मेरा पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है, इतना ट्रैवल किया हूँ ये पहली बार हुआ। फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तत्काल के लिए, तो आपको भी पता होगा IRCTC आपसे कितना मुश्किल होती है। तो भाई मैं हर जगह ट्राई कर रहा था कैसा क्या करूं। फिर हमारे एक जान पहचान वाले थे जो IRCTC में काम करते हैं, जो टिकट्स वगैरह करते हैं, तो हमने उनको बोला। फिर उन्होंने क्या किया, बोले कि उत्कल में उनके कोटा में एक सीट खाली है। तो मैंने बोला भाई आप करवा दो,
जितना होगा आप करवा दो, ये भी एक्सपीरियंस हम कर लेंगे लाइफ में। तो उन्होंने फिर सेकेंड एसी में करवा दिया, और मैं हालांकि उत्कल में आने वाला नहीं था, क्योंकि उत्कल तो रेगुलर जाना आना होता है, उत्कल तो इतना वाहिया ट्रेन है, इतना लेट होती है। तो मैंने सोचा चलो उत्कल से हमारा प्यार हो गया, उत्कल हमको बहुत प्यार करने लगा है, तो उत्कल में ही सफ़र करते हैं। तो उत्कल में भी आ गए, अभी हमारा ट्रेन डिपार्ट हो गया हजरत निजामुद्दीन से। तो आगे इसका स्टॉप है फरीदाबाद, वो छोटा मोटा है भाई। इसका ना हरिद्वार से पुरी तक टोटल 72 हॉल्स है, तो इतना सब दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। जो मेन मेन होगा वो हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल एक रात से हम सोए नहीं है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं शाम। हाँ तो गाइस गुड इवनिंग गाइस। तो भाई अभी 2 घंटे या मैक्सिमम आप बोलोगे तो 2 घंटे का मैंने पावर नैप ले लिया, क्योंकि इतना थकान था बॉडी में, तो वो मैं सो गया था। तो अभी अगर मैं ट्रेन की स्टेटस बताऊंगा तो ये अभी जस्ट मथुरा के पीछे खड़ी है, मथुरा के पीछे कोई आउटर स्टेशन में खड़ी है, इसको अभी तक लाइन क्लियर नहीं मिल रहा है। तो अभी अगर करंट स्टेटस बताऊंगा ट्रेन का तो 4 घंटा 34 मिनट लेट हो गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन एंड फेयर के बारे में। तो गाइज ये ट्रेन 11 स्लीपर क्लास, 4 जनरल क्लास, 4 थर्ड एसी और 1 सेकेंड एसी कोच के साथ चलती है। अगर मैं आपकी फेयर बताऊँ योगनगरी ऋषिकेश से पुरी के तक, अगर आप जनरल में सफ़र करेंगे तो आपको पड़ जाएगा 450 रुपये, अगर आप थर्ड एसी में सफ़र करिएगा तो आपको पड़ जाएगा लगभग 2200 रुपये, अगर आप स्लीपर क्लास में सफ़र करिएगा तो आपको पड़ जाएगा 775 रुपये, अगर आप सेकेंड एसी में सफ़र करिएगा जिस पर मैं करता हूँ आपको पड़ जाएगा लगभग 3100 रुपीज़। तो यही था, फिर मिलते हैं मथुरा पे। अगर आप इमरजेंसी के लिए आते हो ना, कलिंग उत्कल ट्रेन को कभी प्रिफर मत करो। ये मैं बताता हूँ, मैं एक बार आया था 28 घंटा लेट हो गया था। तो अभी ये ट्रेन पूरा पैक है, तो इसीलिए मैं अगर बोलूँगा ना कभी भी आप प्रिफर मत करना, अगर कोई इमरजेंसी के लिए आता है कभी मत आना इस ट्रेन में। फिलहाल तो इतना लेट हो गया और ऐसा ही चलेगा, ये फेमस है ये ट्रेन लेट होने में। हाँ लेट होने में। हाँ जी सर, ये सर भी बता रहे हैं ये ट्रेन फेमस ये है। एक माह से इसी तरह गाड़ी चल रही लेट, एक माह कल भी तो कैंसिल है इसका एक। तो कल 8 तारीख है, तो कल ट्रेन कैंसिल है, ठीक है, जो ऋषिकेश से आने वाली थी कल कैंसिल है। कभी बताना भाई, मैं तो इमरजेंसी था, मतलब मेरे को तो आना ही था, इसलिए मैं ट्रेन प्रेफर किया। आपको पता होगा मैं इसी ट्रेन में ही आता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो गया है, आदत पड़ गई है अपन को। तो गाइस अभी पेंट्री वाले आए थे खाने का ऑर्डर लेने के लिए, तो यहाँ पर ना जो वेज थाली है वो 160 की बेची जा रही, अंडा थाली भी 160 की बेची जा रही। तो हमने बोला नहीं भाई, हमको तो 90 वाली चाहिए जो रेलवे अप्रूव करती है। तो बोले हाँ भाई आपको मिल जाएगी।
आप ध्यान रखिएगा, ये अपने से कभी नहीं बताएंगे कि थाली इतनी की है, मतलब जो हमारा रेलवे जो रेट हमारा अप्रूव किए उस रेट के आधार पे ये नहीं बताएंगे, ये अपना रेट बताएंगे। तो ये आपको बोलना पड़ेगा, तो मैं बार बार ब्लॉग में बताता हूँ, जो हमारा वेज स्टैंडर्ड मील है वो आपको पड़ेगी 80 रुपये के, अंडा थाली 90 की पड़ेगी, चिकन थाली 130 की पड़ेगी, और वेज थाली में आपका दही रहेगा, ये लोग दही भी नहीं देते। तो ये आप ध्यान रखना, आप खुद बोलना कि भैया जो रेलवे हमको अप्रूव करती है 80 रुपये वाली थाली वेज स्टैंडर्ड मील वही चाहिए, ये अपने से कभी नहीं बोलेंगे। मैंने आपको हर एक ब्लॉग में मैंने दिखाया है, कभी नहीं देंगे। तो हमने मंगवाया एक अंडा अंडा थाली मंगवाया और एक अंडा बिरयानी मंगवाया है, तो उसका तो मेरे को बिल चाहिए, आपको पता होगा नो बिल नो पे, भाई बिल तो चाहिए। और हाँ, मैं जब सो रहा था ना, ये रेल नीर को 20 रुपये में बेचा जा रही है इस ट्रेन में, इसका भी ध्यान रखना, रेल नीर 15 रुपये की है, ये आपकी गलती है, हम आपको इतने बार बोलते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ट्राई करिए अवेयर होने पर, और बोलिए इन लोगों को। अभी हमारा आने वाली है नेक्स्ट स्टॉप आगरा और राजा की मंडी, तब मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए आगरा, द सिटी ऑफ ताजमहल। आगरा क्यों फेमस है आपको सब पता होगा, आगरा फेमस है एक तो पेठा के लिए, एक तो पेड़ा के लिए, और एक ताजमहल के लिए। ये मतलब विश्व का एक अजूबा है ताजमहल। और आगरा के स्टेशन के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, और आगरा स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1994 में, और ये इलेक्ट्रिफाइड भी है। यहाँ पर हमारा ट्रेन का बस 5 मिनट का हॉल्ट है, और हमारा ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 5 घंटा डिले। यही होती है उत्कल एक्सप्रेस की एक खासियत, इतना डिले होके रुक रुक के जाएगी, आपको मजा आ जाएगा पूरा ट्रिप में। तो चलो यहाँ पर इतना तो हॉल्ट नहीं है, अंदर चलते हैं। जब आप ट्रेन में अगर खाना ऑर्डर करते हो ना, एक बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हर एक ट्रेन वीडियो में बताता हूँ, बिल मांगिए, नहीं तो रेलवे का हमारा रूल है नो बिल नो पे। तो आप बिल मांगिए फिर जाके आप पे करिए, और मैंने रेट लिस्ट भी आपको बता दिया है, और अभी ट्रेन पूरा पैक है, बात करते आ गया। तो गाइस अभी हमें प्लस हमारा खाना आ गया है, मैं आपको बोला था मैंने अंडा बिरयानी और एक अंडा थाली मंगवाया था, बस रिव्यू करने के लिए और आपको बताने के लिए। अंडा बिरयानी जो उसका नॉर्मल रेट होता है IRCTC से ऑथराइज, ये आपको पड़ेगा 80 रुपये, अंडा थाली आपको 90 रुपये पड़ जाएगा। तो अभी लेट नहीं करते हैं, रिव्यू करते हैं, ओपन करते हैं खाना। ये इस तरह का अंडा बिरयानी दिखता है, जो हर एक नॉर्मल ट्रेन में होता है। अब इसका टेस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, खाने के बाद ये बताएंगे आपको। ये था मेरा अंडा थाली, जिस पे आपको मिलेगा दाल, ये देखो गाड़ी है, और ये आपका अंडा मिलेगा 2 पीस, चावल मिलेगा, ये शायद सूखी आलू की सब्जी, एक पिकल, 2 रोटियां, पराठा होगा नॉर्मल। अगर मैं बात करूँगा अंडा बिरयानी का, तो टेस्ट बहुत बढ़िया था। हाँ, ट्रेन के कंपेयर में देखेंगे तो हमने इतना ट्रैवल किया है, बाकी इसका अंडा बिरयानी सही था, आप खा सकते हैं अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। बाकी चलो इस थाली का रिव्यू करते हैं कैसा क्या होता है, बाकी क्वांटिटी देखें तो सही है, चलो इसका भी रिव्यू करते हैं खाने के बाद। तो गाइस लगभग 260 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हम आ गए इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट मोरेना जंक्शन, और मोरेना में अगर बात करेंगे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 4 है। और फिलहाल अगर मैं बात करूंगा हमारा ट्रेन का स्टेटस, ट्रेन आ रही 5 घंटा 20 मिनट लेट, यही होती है इस ट्रेन की सबसे बेस्ट खासियत। अगर मैं बात करूं इससे पहले जो हमने खाना मंगवाया था हमें पैंट्री से, पैंट्री तो नहीं था बाहर से आया था, पैंट्री में खाना नहीं बन रहा लेकिन पैंट्री वाले ही थे। अगर मैं अंडा बिरयानी की बात करूं वो बहुत बढ़िया था, अगर मैं ट्रेन के हिसाब से देखूंगा तो बहुत बढ़िया था, आप खा सकते हैं। और अंडा थाली थोड़ा फीका लगा, मतलब वैसा टेस्ट नहीं था, मतलब ओके ओके था, आप खा सकते हैं। तो इसके बाद इससे पहले मैंने स्किप किया था ढोलपुर जंक्शन, ढोलपुर आती है हमारा, ढोलपुर हमारी राजस्थान स्टेट में आती है। तो फिलहाल तो अभी मोरेना पे है, देखते हैं कितना लेट होती है आगे, इसके बाद आएगा ग्वालियर, ग्वालियर पे फिर आपसे मिलते हैं। भाई लोग खाना पीना तो हो गया, आपको तो बता दिया अभी मोरेना से हमारा डिपार्चर हुआ। इन पैंट्री वालों को ना जब बिल मांगो ऐसा एक्सप्रेशन ऐसा फेस बनाते हैं जैसे उनका किडनी मांग लिए,
आपको भी मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, जितना भी मैंने ट्रैवल किया हर एक ब्लॉग में मैंने आपको बोला है, कृपया बिल मांगिए, नो बिल नो पे ही याद रखिए, और बिल मांगिए, फिर आपको पता लगेगा खाने का रेट क्या है। ये तो आपका, आप फिर हो जाएंगे ओवर प्राइसिंग का शिकार, फिर आपका कमेंट आएगा भाई क्या प्राइस है, आप तो बोलते हो कुछ होता नहीं। अगर कुछ गलती होती है, प्राइसिंग ओवर मतलब आपसे ज़्यादा ले गया, ओवर प्राइसिंग हो गया, या कोई भी दिक्कत आती है ट्रेन में, तो आप बेफिक्र होके 139 ये हमारा IRCTC का कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉल करिए और जो भी आपका कंप्लेंट है वही दर्ज करिए। नहीं तो आप और एक भी काम कर सकते हैं, ट्विटर पे जाइए, IRCTC को टैग करिए, जो भी दिक्कत आती है आप वहाँ ट्वीट के माध्यम से भी बता सकते हैं। ये आपकी है दो रास्ता जो आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपके ग्वालियर पे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अभी हम उठे हैं, मतलब उठे थे फिर सो गए, अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहा है। और भाई अगर मैं ट्रेन का करंट स्टेटस बताऊं, ट्रेन है 9:45 लेट, अभी दहोम में पहुंचे हैं। ये आता है आपका मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में आता है, पड़ता है आपका। और नंबर एक प्लेटफॉर्म अगर बताऊं, यहां पर 4 है, बस इतना था। अभी उठे हैं, थोड़ा ब्रश व्रश करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता भी मंगवाए हैं, पोहा, उसका भी रिव्यू करके आपको बताते हैं। फिलहाल तो अभी ब्रश करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। भाई लोग नाश्ते में मंगवाए हैं पोहे, पोहे अभी पूरा ठंडा हो गया है, अभी इसको 8 बजे लेकर आए थे, फिर सो गए, क्या करें बैठे बैठे। तो पोहे आपको पड़ जाएगा आपका 40 रुपीज़ का। चलो इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं रिव्यू। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, थोड़ा बारिश हुई है शायद यहाँ पर, और बाकी थोड़ा सा धूप थोड़ा सा बारिश, जो मौसम होती है ना पूरा वैसा हो रखा है, इतना भी गर्मी नहीं है बाहर। और अगर मैं पोहे का टेस्ट का बात करूँ, बहुत बढ़िया था, बट ठंडा हो गया था, तो मेरी गलती है, मैं फिर सो गया उसको लाकर। बाकी टेस्ट मस्त था, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी चल रही है अभी 10 घंटे लेट में, आगे हो जाएगा 15 घंटा, ऐसा ही चलता रहेगा सफ़र, खाने पीने के साथ, मस्ती मजाक के साथ, बाकी सब ठीक है। फिर मिलते हैं कटनी में सीधा। तो गाइस अभी खाना पीना तो हो गया, हमने वही सेम अंडा थाली मंगवाया था, तो इसलिए अपने ही दिखाए, टेस्ट इस बार का थोड़ा सही था। और अभी क्या हुआ ना, आपको बार बार बताए हैं, वही हुआ ओवर प्राइसिंग ट्रेन में। तो मेरे साथ को पैसेंजर है, ऊपर भी है, मतलब अपर बर्थ में भी है, उनसे थाली का पैसा लिया गया 150, जो आपको पता होगा रेलवे अप्रूव नहीं करती, रेलवे करती है 80 रुपये की थाली। और बिल दो फिर पैसा आराम से ले लो, हम नहीं मना करेंगे। और मेरे साथ वाले जो थे उनसे लिया वही 120 का, उस पर दही भी नहीं है, ऊपर में भी दही नहीं था। तो हम देख रहे थे, वो हमको देख रहा था, हम बोलेंगे शायद वो जो पेंट्री वाला था, क्योंकि मैंने उसको कल से बता दिया था, तो वहाँ पर आधा भी पुराने स्टाफ है, वो तो नहीं जानते, लेकिन हम पहचानते हैं। तो इनको इनके साथ लिया, 120 रुपये का थाली ले लिया वेज का, और उस पर दही भी नहीं है। तो आपको पता है हम बार बार बताते हैं, इस मतलब जो थाली का प्राइसिंग है आप बोलिए, आपको और एक बार बता देते हैं। वेज थाली जो होता है, वेज स्टैंडर्ड मील, उसका दाम होता है 80 रुपये, अंडा थाली 90 रुपये, चिकन थाली 130 रुपये, वेज बिरयानी 70 रुपये, अंडा बिरयानी 80 रुपये, चिकन बिरयानी 100 रुपये। ये याद रखिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है ना, अगर ये फिर भी नहीं मानते, 139 पे कॉल करिए, नहीं तो आप ट्वीट भी कर सकते हैं IRCTC को टैग करके। और ये जो मेनू वगैरह है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका पूरा फूड चार्ट होता है, क्या खाना होता है, क्या नहीं होता है, क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, पूरा वो जो गवर्नमेंट का होता है ना, मैं आपको पूरा दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। सतर्क रहिए, क्योंकि हमारा तो देखो 3 दिन का जर्नी है, वैसे भी ये ट्रेन लेट जाती है, तो अगर हम उसको ओवर प्राइसिंग दे दिए तो बिल आ जाएगा 1000 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो हम तो दे देंगे, और कुछ लोग देते नहीं, मतलब हाँ कुछ लोग मतलब बात नहीं करते वैसे दे देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए भाई। गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटी प्रोवाइड किया है रेलवे में भाई, उसका तो मजा लो, जो सही है सही करो, जो गलत है वो गलत है। अगर उसका प्राइस 120 है तो हम दे देंगे, बिल ला कर दे, रेलवे भी अप्रूव नहीं करता है ये सब। रेलवे हमारा जो थाली रखा है
उसका पूरा फिक्स प्राइस है, तो इसका ध्यान रखिए। तो अभी बहुत पहले कटनी मुनावर जंक्शन गया है, अब आगे बहुत सारा आएगा, जो मेन मेन है हम दिखा सकते हैं वो आपको दिखाएंगे, फिर आगे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, बोलेंगे पैंट्री मैनेजर को पैसे के बारे में, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ।